हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूब रंजना। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कुछ दिनों पहले मुझे प्रीतम सिंह का मैसेज आया था कि मैम आप मेरे साथ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करो। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कमेंट एंड शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। तो मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें और कमेंट करते रहें जैसे प्रीतम सिंह ने किया कि उनको मेरे साथ क्या एक्सप्रेशन है और मैं आपके लिए न्यू न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। तो गाइस, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और इसको मैंने पतीले में डाल दिया है। गाइस, तो मैं बेसन में टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। जितना हम सब्जी में डालते हैं ना, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें डाल देना है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने सॉल्ट ऐड कर देना है। गाइस, तो अब मैं इसमें लस्सी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने देना हमने। कितना स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी है, तो इसमें कोई भी लम्स नहीं है, आप देख रहे हो। अब मैं इसमें लस्सी ऐड करूंगी। आपने कढ़ी जितनी भी पतली रखनी है, जितनी भी गाढ़ी रखनी है, आप उस अकॉर्डिंग इसमें लस्सी ऐड करेंगे। गाइस, तो एक कप में इसमें दही डाल रही हूँ, इससे कढ़ी खट्टी बनती है। गाइस, तो मेरा कुकर गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बेसन और लस्सी का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको मैं पौने घंटे तक अच्छे से पकाती रहूंगी जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। गाइस, तो इसे मैं हाई फ्लेम में पका रही हूँ और इसको अच्छे से हिलाती रहूंगी जब तक इसमें एक उबाला नहीं आता। अगर इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगी ना तो ये दही फट जाएगी और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा ना तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, तो दही फटने का डर नहीं रहता है। दूसरी साइड हम पकौड़े बना लेंगे, तो उसके लिए मैंने ये प्याज कट किए हैं और इसमें मैंने मिर्च और थोड़ा सा लहसुन डाला है। इसमें अब आलू भी ऐड कर लूँगी क्योंकि हमने पकौड़े प्याज और आलू के बनाने हैं। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ, तो आधा चम्मच मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि आप ध्यान रखना पहले भी आपने कढ़ी में ही डाला हुआ था। और आधी ही चम्मच हमने टर्मरिक पाउडर भी ऐड करनी है इसमें। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे अब इसमें। और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। गाइस, तो मैंने इसमें दही भी ऐड किया है, इससे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर करना। गाइस, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं इसमें वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। दूसरी साइड में हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें पकोड़े तलेंगे। गाइस, तो मेरी कढ़ी में उबाल आ चुका है, ये देखो कितना सुंदर कलर आया है ना। गाइस, तो तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पून। बिल्कुल छोटे छोटे पकोड़े बनाते हैं, मुझे बहुत बड़े बड़े पकोड़े अच्छे नहीं लगते कढ़ी के अंदर। हमारे पकोड़े ऑलमोस्ट बनकर रेडी हैं, इसको मैं बस 5 मिनट तक पकाऊंगी अच्छे से, उसके बाद पकोड़े हमारे रेडी हो जाएंगे। हमारे पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये देखो मेरे को छोटे छोटे पकोड़े अच्छे लगते हैं। गाइस, तो दूसरी साइड में बनकर हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसमें छौंका लगाऊंगी। छौंका लगाने के लिए गाइस मैं ड्राइड मसाले यूज़ कर रही हूँ, तेज़पत्ता, जीरा, थोड़ी सी मेथी, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च और मोटी इलायची, और इसमें लहसुन और मिर्च का पेस्ट है, धनिया। दूसरी साइड में मैंने टमाटर कट कर लिए है और प्याज कट कर लिए हैं। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें ड्राइड मसाले ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से पकाऊंगी जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता है। सूखे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें मैं लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन और मिर्च भी अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है अच्छे से। गाइस, तो हमारे प्याज भी अच्छे
अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कई लोग जो होते हैं वो पहले डालते हैं, बट मैं बाद में डालती हूँ। प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ और टमाटर को अच्छे से हिला लेना है ताकि वो जल्दी से पक जाए। तो टमाटर को गलाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने कड़ी में भी डाला है और पकोड़े में भी डाला है। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही मैं गरम मसाला भी ऐड करूँगी। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखो हमारा मसाला बिल्कुल बनकर रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए कहीं। तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कड़ी। जो मेरी कड़ी है वो ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी, तो मैं इसे 3 से 4 उबाले आने तक अच्छे से पका लूँगी। गाइस तो मेरी कड़ी में 2 से 3 उबाले आ चुके हैं और मैं अब जा रही हूँ इसमें पकोड़े ऐड करने। बस हमारी कड़ी रेडी होने वाली है 5 मिनट में। गाइस तो मैं अब इसमें पकोड़े ऐड कर दिए हैं। तो गाइस आपको मेरी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।